हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है माय न्यू वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं गागरौन राजस्थान, जो पिपाजी महाराज की जयंती है, गुरु जयंती, गुरु पूर्णिमा, उसका जो उत्सव मनाएंगे उसको हम मनाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। 3 पहिए के ऑटो में जा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। और वहां पे जो भी हम देखेंगे आपको बताएंगे। बाकी फ़िलहाल तो अभी यहाँ से निकले हैं, डोंगरगांव से। हम डोंगरगांव से निकल चुके थे और ये अभी ऑटो में चल रहे हैं। अभी वीडियो को रोकते हैं और फिर आगे से, क्योंकि यहाँ पर रोकना है। और अब पहुँच गए हैं हम डोंगरगांव से बहुत आगे। ये हरियाली देख रहे हो, इधर उधर की हरियाली। हरियाली के बाद हम ये पैर लटका के बैठे हुए हैं, ये देखिए पीछे के और टेम्पो में, और बाकी सब अंदर बैठे हुए हैं। अब हम पहुंच गए हैं रायपुर, रायपुर पार कर रहे हैं। रायपुर के बाद झालरापाटन आएगी, फिर झालावाड़ आएगा। ये झालावाड़ की निशानी, ऊँट जा रहे हैं, ये ऊँट और जा रहे हैं। बाकी हम टेम्पो के पीछे, ये रायपुर थाना पार कर दिया हमने, रायपुर अब पार कर देंगे। उसके बाद बाकी कुछ भी नहीं अभी देखने को, तो ये दुकान वगैरह आ रही है, ट्रक निकल के जा रहे हैं। थोड़ा रोकते हैं वीडियो को और आगे जाके फिर से स्टार्ट करते हैं। ये राजस्थान की दूसरी निशानी गाडरे जा रही हैं, भेड़ बकरी। ये हम झालावाड़ पहुंच गए हैं, झालावाड़ का वो ब्रिज है उस पे, वो डायरेक्ट झालावाड़ का बाहर निकलता है, जिंदगी झालावाड़। ये वो ब्रिज पीछे रह गए हम आगे। ये गाइस हम झालावाड़ का अंदर पहुंच गए हैं। और ये झालावाड़ में जैसे वहाँ डोंगरगांव में लगी हुई थी ऐसी रेलिंग लग रही है, ट्रक आ रहा है, टेम्पो में डची के लग रहा है इसलिए फोन ज़्यादा हिल रहा है। वो इधर उधर ये ट्रक हमसे आगे निकल रहा है। बाकी ये झालावाड़ का सीन है पूरा। पाटन हमने पार कर ली थी, पाटन बाईपास से निकले थे, अंदर से नहीं निकले इसलिए वीडियो नहीं बनाया। अब बाहर बाहर में जा रहे हैं। बाकी झालावाड़ तो जो भी राजस्थान वाले वीडियो देखते हैं उसको, ये भी अंदर का है झालावाड़ के। और इसके बाद गागरौन का रोड आ जाएगा, गागरौन के रोड पर। और ये आगे का है टेम्पो के, आगे का एक झोपड़ पट्टी बनी हुई है। यो गाइस, हम फाइनली वहाँ पे पहुँच गए हैं गागरौन, और हम तीनों हैं। बाकी वो पुलिस की गाड़ी निकल के गई, ये नन्ना लड़का भी हमारे साथ चल रहा है। बाकी हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, जस्ट हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वो दो मंदिर है, एक समाधि स्थल है और एक उनकी मूर्ति बैठी हुई है, वो मंदिर है। ये यहाँ पे ये सामने है, ये समाधि स्थल है और वो मंदिर है। बाकी आगे पहुँचने वाले हैं हम, ये यहाँ ऊपर आ गए थे, जो मंदिर है मूर्ति वाला, ये मूर्ति वाला है। बाकी यहाँ से व्यू देख लो, ये अंदर का है, यहाँ पर मूर्ति है। आगे चलता हूँ अभी, ये बाहर से है जो मूर्ति है, उसके साइड में है जगह, उसके यहाँ से है ये। अभी मूर्ति दिखाता हूँ आपको, ये मूर्ति है पिपाजी महाराज की, ये पिपाजी महाराज की मूर्ति है। और वो समाधि स्थल है, उसमें भी जाएंगे हम, आपको दिखाएंगे। ये समाधि स्थल है, यहाँ पर कोई माइक वाइक में बोल रहे हैं, जैसे गुप्त दान वगैरह। ये सिराव से नीचे उतर के ये नदी है, बताया जाता है कि इस नदी में एक गुफा भी है जो कि उज्जैन के साइड निकलती है। यहाँ से पिपाजी महाराज पैदल उज्जैन गए थे,
ये पानी के अंदर से गुफा है, अब तो बुराई होगी, ज़्यादा ये नहीं है। ये पानी है और पानी के उस पार वो किला भी है, वो उधर में किला है, वो सामने दिख रहा होगा आपको, ये वाला ये किला है, इसमें पहले गए थे हम बहुत पहले, वो सामने किला है। ये जा रहे हैं हम गुफा के अंदर, देखते हैं इस गुफा में क्या है। कृष्णा, ओ वो कहाँ है भाई? बस और अंदर है। आ गया बस, यही तक खत्म है, कहीं भी नहीं है। रुको रुको, अंदर बता क्या? देख कहीं भी नहीं है। और वह बारीक से के अंदर नहीं है, वो के अंदर गुफा है वह पेखोरी। चल बाहर है, ये है गुफा में और कुछ भी नहीं। इधर से है इसके पलंग में कुछ भी नहीं है, अब ज्यादा भीतर जाओ, ठेकड़ा ठेकड़ी बैठा रहे तो और नहीं है, तो कहीं भी नहीं होगा भीतर अब। हाँ कुछ भी नहीं है गाइस, हम जा रहे हैं अब बाहर, ये बाहर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, पसीना बहुत आता है और सांस लेने की तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं जैसा बताया था। बाकी इधर बताते हैं, पिपाजी महाराज इस गुफा से उज्जैन गए थे, ये लोग बोल रहे हैं यहाँ से उज्जैन गए थे। चलो अब पानी की ओर चलते हैं फिर से। ये कार्यक्रम वगैरह चल रहा है यहाँ पर, वो आवाज़ दे रहे हैं कि जो राजस्थान की मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, वो आने वाली है थोड़ी बहुत देर में, तो आपको वो भी दिखेगी। यहाँ पर आएगी, गुरु पूर्णिमा का बोर्ड लगा हुआ है, इस समाधि स्थल, और वो वसुंधरा आने वाली है, तो आपको वीडियो दिखाता हूँ उसका। ये जिम में हम बैठ गए थे, जिम लेते हैं उसके बाद वो आपको वसुंधरा दिखाते हैं, वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है राजस्थान की, वो उनकी गाड़ियाँ आ गई है, पहले तो पुलिस की गाड़ी आई है, यहाँ पर पुलिस आ गई है और अब उनकी गाड़ी आएगी, पुलिस वगैरह आ रही है अभी, तो पुलिस फोर्स उनकी गाड़ी आ चुकी है अब। ये सामने जो फॉर्चूनर जैसी गाड़ी है इसमें वो आई है, ये फॉर्चूनर वाली गाड़ी में, इस गाड़ी में आई है वो। इधर से निकल के जाएगी, तो हमने पहले आके उग गए थे हम कि यहीं से निकलना तो है, निकलना तो यहीं से पड़ेगा इनको। राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, अब तो गहलोत सरकार है राजस्थान में। उतरना भाया, हम इंतज़ार कर रहे हैं, अब उतर रही है मुख्यमंत्री जी, उतरो, ये यहीं से निकल कर आएगी, ये वसुंधरा राज्य राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री समाधि स्थल पर जा रही है। तुम फोटो वोटो खींच लो भैया, हम भी अंदर जाएंगे। ये कुछ यहाँ पे पूजा वगैरह होएगी, लाइट ऐसी लगा रखी है कि दिखे नहीं। वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री पूजा वगैरह करेगी ये, तो अपन तो वीडियो को रोकते हैं और इनका जाने के बाद वो फिर से वीडियो बनाएंगे। ये वसुंधरा राज्य के यहाँ पर पुलिस वाले आए हैं, ये भीड़ देखिए आप, उनका इंतज़ार हो रहा है बाहर आने का, ये गाड़ियाँ आई है, ये इधर भीड़, अब बाहर आने वाली है वो, तो सब खड़े हुए हैं। ये देखो ऊपर भी खड़े हुए हैं, ऊपर कद देखो,
अब वसुंधरा बाई जी बाहर आने वाली है। अब वसुंधरा जी बाहर आ चुके हैं, ये देखिए पूर्व मुख्यमंत्री को देख लीजिए, वसुंधरा जी को। वो मंदिर को ऊपर भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखो भीड़ लगी है उनको देखने के लिए। देखो मोबाइल कितने ऊंचे हो रहे हैं, मोबाइल देखो तुम तो, मोबाइल ही मोबाइल है। वो जा रही है भीड़ में, वो उधर जाएगी मंदिर साइड जाएगी, कोई विश्राम करेगी। वो देखो एक तो वो मुड्डा उठा के ले जा रहा है कुर्सी वसुंधरा जी को बिठाने के लिए। ये वसुंधरा जी जा रही है, उन्होंने विश्राम वगैरह कर लिया, खा पी लिया, पूड़ी खा ली, पज्जा खा लिया। तो गाइज हम गागरौन से निकलकर यहाँ पर आ चुके हैं, ये है राड़ी के बालाजी जो बोलते हैं, बाकी इनके अंदर चलते हैं। बताया जाता है पूरा कांच का मंदिर है, अंदर से देखिए आप, वाह भैया बिल्कुल कांच का बना हुआ है, अंदर से पूरा कांच का है। और यहाँ पर 56 भोग भी लग रहे हैं, देखते हैं हम 56 भोग में क्या क्या है। भैया उस महिला की आंखें देख, ये 56 भोग लग रहे हैं बालाजी के यहाँ पर 56 भोग। और इनके पास कृष्ण जी की मूर्ति है, ये 56 भोग लग रहा है बालाजी के यहाँ पर। और वो सामने गणेश जी की मूर्ति है, साथ में रिद्धि सिद्धि भी है। और इधर की साइड है राधा कृष्ण, बाकी ये पूरा मंदिर है। बाकी हम गागरौन से निकल के आ चुके हैं और यहाँ पर भी आए हैं, ये भी बालाजी के यहाँ ही है, पीपलिया खेड़ा बालाजी है। तो बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।